नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजनीति अस्थाई चीज है और कब कौन किस करवट पाले बदले ये कोई बता नहीं सकता है, लेकिन बिहार की सियासत से ऐसी ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अनिश्चितता ही नहीं, राजनीति में ऐसी काफ़ी कुछ होती है जो लोगों को जानकारी नहीं होती है। अब ऐसे में जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि सियासी क्रिकेट पिच पर अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी एक बार फिर से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। बिहार में मध्यवर्ती चुनाव के भविष्यवाणी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा कितनी जायज है और कहां तक हो पाती है ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि अगले कुछ घंटे में चिराग पासवान की पार्टी के कई लोग हिट विकेट होने वाले हैं। दरअसल चिराग पासवान अपनी पार्टी के नेताओं को 6 साल के लिए निलंबित करने वाले हैं और सूत्रों के हिसाब से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, कई ऐसे नेता हैं जिन्हें निलंबित किया जाएगा पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने की वजह से। इसके पहले भी कई लोगों को निलंबित किया गया, कई लोगों को बाहर किया गया और एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। 6 साल के लिए निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर वाली पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान काफ़ी नाराज हैं। बताया ये भी जा रहा है कि पार्टी के बड़े नेताओं पर गाज गिरने वाली है और अगले कुछ घंटों में चिराग पासवान पटना आएंगे, लेकिन पटना आने के साथ ही उन्होंने नेताओं का लिस्ट मांग दिया है। और आपको बता दें कि लगातार चिराग पासवान 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को हराने को लेकर चर्चा में थे और एक बार फिर से अब अगर बेहतर डील नहीं हुई तो बीजेपी के साथ वे 2024 और 25 का चुनाव खिलाफ लड़ेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आपके जीवन का यह सवाल होगा कि चिराग पासवान लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं तो क्या भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारने से नहीं हिचकिचाएंगे और कहीं ना कहीं चिराग की ये चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट करती हैं कि अब बिहार में चिराग पासवान ने अपने सिरे से, अपने अंदाज से और कहीं ना कहीं अपने शर्तों पर सियासत करने जा रहे हैं। ऐसे में चिराग को लेकर बड़ी खबर है, पटना लौटते ही कई विकेट गिर सकता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।